बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो रेफरेंस मेन्यू की सीरीज़ हमने डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने रेफरेंस मेन्यू डिस्कस किया था और उसका जो आपका पार्ट वन था, यानी जिसको हमने डिस्कस किया था टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को इन डिटेल में, कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कैसे बनाते हैं आप, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स आपके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में किस तरीके से आप उसमें जो है वो टॉपिक्स की को इंगेज करते हैं और पेजेस को इंगेज करते हैं, कैसे उसको अपडेट करते हैं और उसमें जो मेन आपके हेडिंग्स हैं वो कैसे हम उसमें प्ले करते हैं। उसमें मैंने लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तक हेडिंग्स आपको लगानी बताएंगी। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि लेक्चर नंबर 18 में रेफरेंस मेन्यू का पार्ट टू है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फुट नोट्स। ये फुट नोट्स क्या होते हैं? इसी सीरीज़ को मैंने आपको जो रेफरेंस का मेन्यू है इसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग बना दी है, ताकि उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का लेक्चर नंबर 17, फिर लेक्चर नंबर 18, रेफरेंस मेन्यू का पार्ट टू, फुट नोट, इसी तरह से ये जो रेबन जितने भी हम इनको डिस्कस करते जाएंगे तो हमारे इसमें तकरीबन के 6 के करीब जो है हमारे आपके बन जाएंगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे। तो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं रेफरेंस मेन्यू का पार्ट टू, जिसमें हम फुट नोट्स को डिस्कस करेंगे। फुट नोट्स होते ही क्या हैं? ये देखें, आपके रेफरेंस मेन्यू के टैब में आप ये देखेंगे, ये आप रिबन देख रहे हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं फुट नोट्स। इस फुट नोट में इंसर्ट फुट नोट क्या होता है, इंसर्ट एंड नोट क्या होता है, नेक्स्ट नोट क्या होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके यूज़ होते हैं, रिसर्च बेस्ड जो लोग काम कर रहे होते हैं वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स भी बनाते हैं और फुट नोट्स वगैरह और बिब्लियोग्राफीज और साइटेशंस वगैरह सब जो है इनके काम की चीज़ें हैं। तो इसलिए हमने इनको अलग-अलग लेक्चर वाइज हर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लेक्चर वाइज जो है वो चीज़ों को समझते जाएँ। तो फुट नोट्स के अंदर क्या करेंगे आप व्यूअर्स, ये मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बनाया हुआ, ये देखिए एक बिब्लियोग्राफी एग्जांपल्स इन MLA, APA एंड शिकागो, ये स्टाइल्स हमने डिस्कस किए हुए। ये देखें यहाँ पे भी स्टाइल पड़े हुए हैं। अब अगर आप यहाँ साइटेशन और बिब्लियोग्राफी में अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसको जब आप एंटर करेंगे स्टाइल्स के अंदर, तो स्टाइल्स के अंदर ये देखें लिखी हुई है, लेकिन इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दी हुई है। डायरेक्ट आपकी ये दी हुई है कि जी MLA क्या है। ये रिसर्च के लोगों को पहले से ये पढ़ते हैं कि ये किस, ये MLA स्टाइल क्या होता है, कौन से स्टाइल से हमने चीज़ों को लिखना है। बाज़ जर्नल्स में लिखे जाते हैं स्टाइल, बाज़ जो हैं वो आपकी रिसर्च पेपर में, बुक्स में लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर में लिखे जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं अपने वर्किंग के हिसाब से। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल कोड कर दिया है कि जी हम ये कहते हैं कि जी ये जो बिब्लियोग्राफी एग्जाम्पल्स MLA, APA एंड शिकागो। अब यहाँ पर जो MLA इसकी डेफिनेशन क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं फुट नोट के अंदर उस डेफिनेशन को डाल देते हैं। यानी जिस पेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस पेज के ऊपर अगर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन टर्मिनोलॉजीज की डिटेल्स हैं जो हमें हम फौरी तौर पर उधर नहीं लिख सकते, तो एंड पेज उसी पेज की एंड पर हम इनको डिफाइन कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है। जब ये खाली जगह ये ऑटोमेटिकली एंड पर ही डिफाइन हो जाती है। तो आप देखें, ये देखें MLA है या APA है या शिकागो है। अब मैं जैसे MLA पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ MLA है क्या, तो मैंने यहीं पर इसका जो है वो फुट नोट के अंदर डाल देना है। तो फुट नोट में मैं क्या करूँगा, यहाँ गया और मैंने जाके देखें फुट नोट को डिफाइन। अब ये फुट नोट क्या डेफिनेशन लिख रहा है, इसकी ज़रा डेफिनेशन देखें। लिखता है कि एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। यानी इसकी मज़ीद डिटेल, MLA की डिटेल जो है वो आप पेज की एंड में लिख देते हैं, ताकि पढ़ने वाला यहाँ से उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ेगा और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन उसी पेज के एंड से उठा लेगा। यहाँ हम उसको ज़रूरी नहीं समझते कि यहाँ पर हम इसको उसकी डेफिनेशन डिफाइन करें। तो मैं यहाँ पर जाकर इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ आ गया वन पर, ये पहला मैं जो है नोट डिफाइन कर रहा हूँ। अब इस पहले नोट के अंदर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं MLA की। MLA की जो डेफिनेशन है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है, एस्टैब्लिश वैल्यू। ये मैंने डिटेल डाली हुई थी, इसको मैं उठा करके यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से, बल्कि इसको यहाँ से उठा लेता, चलिए यहाँ से यहाँ तक उठा लेते हैं हम, और इसको हम कॉपी करके और जो हमने अपना नोट लिखा है, जो हमारा फुट नोट है,
उस फुट नोट पर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये देखिए यहाँ इसकी डिटेल डिफाइन होगी। ठीक, अच्छा अब हम दोबारा आगे चले गए। अब दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या है, APA। अब APA की डेफिनेशन क्या है, APA एब्रीवेशन किसका है, हम यहाँ पर गए और हमने आगे दोबारा जब क्लिक किया तो एंड में ही जाएगा। देखिए एप नंबर टू पर आ गया। अब इस टू पर आ गया तो APA क्या करता है, अब APA की डेफिनेशन हमने यहाँ से दे दी कि जी ये क्या करता है। ठीक है जी, ये देखें, ये आपसे कहता है ये साइटेशन बुक्स इन जनरल्स एंड अदर टेक्निकल मैनुअल्स पेज में सीरीज में लिखा जाता है सोर्स। ठीक है, यहाँ मैंने इसको उठाया, इसकी डिटेल उठाई और इसकी डिटेल उठा के मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, ये इसकी डिटेल यहाँ आ गई। तो तीसरी, और अगर आपका जो तीसरा आपका जो वो है, अब देखिए ये हो गया वन, ये हो गया टू। अगर मैं इससे पहले ये शिकागो पे जा करके मैं यहाँ पर अगर इसको मैं यहाँ पर फुट नोट डालता हूँ तो ये देखें इसको वन कर देगा, क्योंकि पहले नंबर पे इसको ही मिल रहा है। ये दोनों की सीरीज़, ये दोनों के जो नंबर थे खुद ही चेंज कर देगा। तो क्योंकि वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ रहा था इसने इसको वन असाइन किया, ये जो हमने इससे पहले इसको साइन किया था वन, तो इसने इसको टू असाइन कर दिया, इसको थ्री असाइन किया। तो ऑटोमेटिकली ये सेट करता है आपके जो फुट नोट्स के नंबर्स होते हैं वो खुद सेट करता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया कि जी ये आपकी जो ये वाला जो आपका स्टाइल है, ये स्टाइल आपका फॉलो होता है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ से उठा ली और यहाँ तक मैंने इसकी डेफिनेशन को उठा के कॉपी करके और मैंने इसको यहाँ जाके इसको कोट कर दिया। ये देख, ये तीनों की जो डिटेल्स थी वो हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। सही, अच्छा अब देखिए कि ये पेज की एंड में आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए पेज की एंड में आ रही है। अब हम बेसिकली अपने यहाँ पर देखें, ये पेज पे ये पेज, ये वन, ये टू और ये थ्री नंबर आ गए इसके। अब हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से ये टू एस टू पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें ये डिटेल इस टू पे खुद ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा, यानी उसी पेज के एंड पर होगा, बिल्कुल एंड पे नहीं होगा बल्कि उस पेज के एंड पर होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक स्टार्ट में जाकर डबल क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा उस लोकेशन पे मुझे ले जाता है जिस लोकेशन से मैंने मार्क किया हुआ है। अब इस तरह से मैं ये APA 3 पे मैं देखना चाहता हूँ क्या है, तो APA 3 इसकी डिटेल कहाँ पड़ी हुई, पेज के एंड में। तो मैं यहाँ से जैसे ही इसको, अब देखा पेज के एंड से भी उठा सकते हैं और अगर आप इसको यहाँ पर ला के क्लिक कर यहाँ माउस रखेंगे तो देखें इसके ऊपर भी वो जो आपने फुट नोट डाला हुआ है, फुट नोट ऊपर आपके टूल टिप में आ रहा है, ऊपर देखें आ रहा है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट यानी इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें ना उस जगह पे जाना चाहते हैं या कोई एडिट करना चाहते हैं उस जगह पे जाके, तो आप डबल क्लिक कर दें और डबल क्लिक करके आप देखें यहाँ आ गए, यहाँ पर जाके आप एडिटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली देखें, और ये हमने तीन इसमें नोट डाले थे, फुट नोट 1, 2, 3, ये इस पेज की एंड में ही आए। और यानी इसमें ये होता है कि जिस पेज से रिलेटेड आपकी डिटेल्स हैं उसी पेज के एंड के पर उसके फुट नोट्स के अंदर उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपकी आ जाती हैं। और अगर जब आपको ऊपर दोबारा जाना है तो कि स्टार्ट में पॉइंटर रखें थ्री पे और आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये आप उस जगह पे चले जाते हैं। अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा उस जगह पर आ जाऊँगा, यानी डबल क्लिक करने से आप इस इन 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 जो फुट नोट्स हैं इनके ऊपर आप मूव कर सकते हैं। अच्छा इसमें इसके बाद आता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट क्या करता है, एंड नोट बिल्कुल डॉक्यूमेंट की एंड पर आता है, यानी अगर आपको अपने उस डॉक्यूमेंट को समराइज़ करना हो एक किसी एक पैराग्राफ के अंदर, आप चाहते हैं जो कुछ मैंने 8-10 पेजेस पे लिखा है आखिर के अंदर उसके अंदर मैं लास्ट के अंदर जो है वो हम उसके कमेंट्स वगैरह या कुछ ऐसे डाल दें, तो ये देखें यहाँ पर ये आपको बताता है कि वो क्या करता है, एड अ नोट लाइक कमेंट और साइटेशंस प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अच्छा ये क्या करता है, सब्सक्रिप्ट नंबर्स रेफरेंस एंड एंड नोट्स आर एडिड इन योर टेक्स्ट। अब आप यहाँ पर पेज की देखिए यहाँ दिया हुआ इसका आइकन भी नज़र आ रहा है, बहुत सारे पेजेस बने हुए उसकी एंड के अंदर, पहले पेज पे आप इसकी एंड में जाके एंड नोट डालेगा। तो जब आप एंड नोट पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, अब एंड नोट आप कहाँ डालना चाहते हैं, आपने अगर एंड नोट कहीं लिखना है तो आप ये हमेशा आखिर में ही जाएगा। अब देखिए फ़र्ज़ करें कि मैं इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड या मैं इससे रिलेटेड कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर गया और हमने
लेट सपोज कर लें कि हम यहीं से, यहाँ से हम एंड नोट डालना चाहते हैं, इधर से हम एंड नोट डाल देते हैं, ठीक है, वो तो फुट नोट पड़े हुए थे, यहीं पर हम इसके एंड नोट डालना चाहते हैं, तो हम इस इन तीनों का जो कंक्लूजन है वो हम एंड पे लिख देंगे। तो हम एंड नोट देखें कैसे डालेंगे, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो देखें ये पेज के बिल्कुल आखिर में आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये लास्ट पेज पर आ गया यानी पेज नंबर 3 पर। और पेज नंबर 3 के ऊपर हम जो है वो आपकी जो जो भी डेफिनेशंस की हम लिखना चाहते हैं, देखें वो हम इसकी डेफिनेशंस को हम लिख देंगे। जैसे कि मैंने हमने इस बिब्लियोग्राफी की डेफिनेशन को हमने डिफाइन करना था, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक एक मैंने उठाया, ये अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और एंड पे जा करके जहाँ इसका एंड जहाँ पर आ रहा है ये वहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देंगे। ये देखिए ये आपका डिफाइन हो गया सही, और ये देखिए ये आ रहा आपका, ठीक है, ये देखें ये आ गया वन, ये वन आ गया। इस वन को वन पे क्या लिखा है, जब हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये एंड पेज की एंड पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर ये इसकी जो एंड नोट है उसकी डिटेल जो है वो आपकी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से हम जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर हम जाके क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने कोई दूसरा साइटेशन डाल दिया, लेट से कि यहाँ पर हमने इसका एग्जांपल डालना है, तो यहाँ पर फिर हम एंड नोट पे चले गए, डबल क्लिक किया और एंड नोट पे देखे यहाँ आ गए और यहाँ आके हमने इसके इसका जो थर्ड एंड नोट था वो हमने डाल दिया इसके ऊपर, ये देखिए। और यहाँ पर हमने क्या किया, लेट से कि ये वाली चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, यानी आप उसकी डिटेल्स वगैरह जो चाहें आप यहाँ इसकी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकते हैं, ये देखें। अब बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो आपके ये आपके दो हमारे एंड नोट्स जो है ना वो इस वक्त आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें हम यहाँ चले गए, और जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें हमें यहाँ आ गया ऑटोमेटिक। तो इस तरीके से आप अपने पेज के एंड पे चले जाएंगे, एंड नोट हमेशा पेज के पे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट पेज पे जाके एंड पे लगते हैं, यानी जब आप सम अप कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, जैसे मैं स्टोरी का कंक्लूजन लिखना चाहता हूँ तो वो मैं एक छोटा सा एक पैराग्राफ का कंक्लूजन बना के हम एंड में डाल देंगे। तो जो हमने रिसर्च की है, जो कुछ भी हमारा है, उसका एंड पे हम कंक्लूजन लिख देंगे कि एंड पे हमारा कंक्लूजन वो आ गया। तो आपका जो फुट नोट्स हैं वो ये रहे और आपके एंड नोट्स ये रहे। अब आप इसमें मूव भी कर सकते हैं, ये देखें अगर मैं फुट नोट के ऊपर काम करना चाहता हूँ तो मैं देखें यहाँ पर अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ फुट नोट मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है, तो मैं जाऊँगा फुट नोट्स, फुट नोट में मैं डालूँगा नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट जैसे ही करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट नोट पर आ जाएगी, ये देखिए नंबर वन पर आ गया नेक्स्ट नोट। फिर मैंने कहा नेक्स्ट नोट कहाँ पर है, मैं यहाँ गया, मैंने कहा जी नेक्स्ट नोट बताओ, तो नेक्स्ट नोट देखें ये रहा, फिर इसके बाद नेक्स्ट नोट कह रहा ये रहा, तो नेक्स्ट नोट पे हम दोबारा गए तो नेक्स्ट नोट पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट नोट का मतलब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, और इसी के अंदर अगर मैं चाहूँ प्रीवियस नोट तो प्रीवियस नोट का मतलब अगर मैं नोट नंबर 3 पर हूँ, नोट यहाँ से नोट नंबर 3 से नोट नंबर 2 पर जाने जाएंगे तो मैं प्रीवियस नोट, ये देखें, और फिर हम इसे खोलेंगे तो इसमें मूवमेंट आपको दी हुई है कि आप यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट नोट पर या प्रीवियस नोट के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम चाहें एंड नोट्स को देखें कि नेक्स्ट एंड नोट कहाँ लगा हुआ है, क्लिक करेंगे तो देखें ये रहा नेक्स्ट एंड नोट लगा हुआ है, और अगर आपका जो प्रीवियस एंड नोट कहाँ है, ये देखें प्रीवियस एंड नोट स्टार्ट में लगा हुआ था, ये रहा ये प्रीवियस एंड नोट यहाँ लगा हुआ था, यानी हम अपनी जो मूवमेंट है जो उसकी एंड नोट की, फुट नोट की और आपके नेक्स्ट नोट की, इनके इसके ऊपर हम मूव कर सकते हैं, ये देखें ये, और यहाँ पर क्या है प्रीवियस एंड नोट, ये देखें ये एक एंड नोट यहाँ लगा हुआ है और एक नेक्स्ट एंड नोट कहाँ लगा हुआ है, नेक्स्ट एंड नोट क्लिक, ये देखें यहाँ लगा हुआ है, तो ये एंड नोट पे जाएंगे। और प्रीवियस पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस पे जाने के लिए ये करेंगे, तो ये एंड नोट के लिए और ये फुट नोट्स, यानी ये वाले इस मेन्यू के अंदर आप एंड नोट पर मूव कर सकते हैं और फुट नोट पर भी मूव कर सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस, ये नेक्स्ट प्रीवियस हैं आपके फुट नोट और ये नेक्स्ट प्रीवियस हैं आपके, ये दोनों एंड नोट है, दोनों आ गए। अच्छा अब देखें शो नोट्स, अगर मैं शो नोट्स पे जाता हूँ तो शो नोट्स पे मुझे तमाम के तमाम नोट्स हैं ना वो मेरे मिल जाएंगे जितने भी शो नोट्स पे जाएंगे। अब शो नोट्स पे देखें हम क्या करते हैं, शो नोट्स हम कहते हैं भाई शो करो नोट्स, तो देखिए इसमें दोनों नोट्स आ रहे हैं, इसमें आपके व्यू ये आपसे कहता है डॉक्यूमेंट पे जितने भी नोट्स हैं चाहे वो
आपके फुट नोट्स हैं या एंड नोट्स हैं, दोनों एरियाज बता रहे हैं। तो आपसे कहते हैं क्या पूछ रहे हैं, व्यू फुट नोट्स पूछ रहे हैं या एंड नोट पूछ रहे हैं। हम कहते हैं ऐसे करें कि हमें फुट नोट बता दें, तो फुट नोट बताएंगे तो देखें ये फुट नोट्स हमें बता रहा है, ये देखें ये फुट नोट वाले एरिया पर आ गया। और अगर हम पूछेंगे कि नहीं जी हमें आप जो है वो बताइए कि हमारे एंड नोट कहाँ हैं, तो एंड नोट पे जाएंगे, ओके करेंगे तो देखें एंड नोट वाले एरिया लास्ट हमें एंड नोट जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ पर हमें ले जाएगा। तो ये बेसिकली शो दोनों चीज़ें करेगा, फुट नोट भी करेगा और एंड नोट भी करेगा, क्योंकि हमने इसमें दोनों डिफाइन किए हुए हैं। अब इसमें से हमें जिस एरिया पे जाना है हम उस एरिया पर आसानी से चले जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके जो फुट नोट और एंड नोट होते हैं, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप जब आप रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास टेक्निकल चीज़ें होती हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से चीज़ें उठा रहे होते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर से चीज़ें उठा रहे होते हैं, मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज उठा रहे होते हैं, तो उनकी ज़रूरी नहीं उनकी डिटेल। जैसे MLA, अब MLA मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, अब MLA की एब्रिविएशन क्या है मुझे नहीं पता, यानी हम यहाँ उसको लिखना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जो लोग उस पेपर को पढ़ेंगे वो जब MLA की डेफिनेशन ढूंढना चाहें तो वो किस पे जाएंगे आपके, वो आपके चले जाएंगे आपके फुट नोट पे चले जाएँ, फुट नोट पर उसी पेज के ऊपर जितने भी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है उनकी डेफिनेशंस आपको एंड में मिल जाएंगी। ये देखें, ये जो मैंने तीन टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, आपकी शिकागो और आपके MLA और APA, इन तीनों की जो डिटेल्स हैं वो आपको एंड पे मिल जाएंगी। ये हैं क्या, इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, या इनके एब्रीवेशन आपको मिल जाएंगे, जो आप लिखना चाहें इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्दर इसको देखें, हमने जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी इसमें आपकी एंड नोट। तो एंड नोट के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट का आखिर होगा एंड, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10-10 पेजेस हैं तो वो जो लास्ट नंबर पेज है उसके ऊपर जा करके ये देखें 1 और 2 इस तरह से करके डिफाइन करेगा। ये हमेशा रोमन में डिफाइन करते हैं, आप देखिए रोमन में डिफाइन हुआ हुआ और ये इसमें नंबर्स में डिफाइन हुआ हुआ है, तो ये 1, 2, 1, 2, 3 करके डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने जो फुट नोट हैं और एंड नोट्स हैं और जो नोट्स की मैनेजमेंट है वो इस रिबन से आप कर लेते हैं। तो मैंने सिर्फ इस वाली चीज़ को क्लियर किया है, इससे पहले हमने क्लियर किया था आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो व्यूअर्स, ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, रेफरेंस मेन्यू पार्ट 2। अब नेक्स्ट हमारा आएगा पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइटेशन और बिब्लियोग्राफी को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा बना दिया था और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने चीज़ें जो है वो लिख दी थी अपने हिसाब से और अपने हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल सेट किया है हमने चीज़ें। अब डेफिनेटली जब आप एक रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें लिखते हैं, लेकिन ये भी उससे रिलेटेड जो यूज़ होती हैं वो सारी मैंने डेफिनेशन आपको इसकी डिटेल्स बता दी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चीज़ों को, और जो लोग रिसर्च बेस काम कर रहे हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इस MS वर्ल्ड के अंदर रेफरेंस मेन्यू में, क्योंकि ये रेफरेंस मेन्यू बिज़नेस एप्लीकेशन में नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए ये हमने स्पेशली जो है वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो रिसर्च बेस काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसका मैंने इसलिए प्लेलिस्ट अलग रख दी और मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो व्यूअर्स, अब इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें आपसे मुलाकात होगी, और कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसमें अगर कोई कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में जो आप सवाल आते होंगे उनके जवाब भी हम दे देंगे। तो इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।